हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग हैं? आप सब अच्छे होंगे। मुझे पता है कि काफ़ी टाइम से मैंने कोई भी ब्लॉग या वीडियो नहीं डाला है, तो आज बहुत टाइम के बाद मैं अपना एक नया ब्लॉग बनाने वाला हूँ। आज मैं जाने वाला हूँ अहमदाबाद की ट्रिप पे, अहमदाबाद को विजिट करने जा रहा हूँ। मेरे साथ विश्व भी आने वाला है और अभी मैं निकलने वाला हूँ। मेरे घर से अभी तकरीबन 5 बज चुके हैं, तो अभी हम उसको पिकअप करते हैं फिर चलते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, कुछ भी मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, अभी मैं फ्लावर गार्डन के पास पहुंच चुका हूं अहमदाबाद, और हमारी जो पार्किंग थी वो हमारे पीछे मिली है। और ये देखो, यहाँ पे एक गेट नंबर 2 यहाँ से है, तो अभी हम गेट नंबर 1 के पास जा रहे हैं। उधर है वो, तो थोड़ी पार्किंग उसके सामने है, तो आपको अगर पार्किंग ना मिले तो थोड़ा चल के आना पड़ेगा। इतना नहीं, शायद 50 या 60 मीटर जितना चल के आना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे टिकट लेने आ चुके हैं। विश्वा भी टिकट लेने गया है, और यहाँ पे टिकट के जो प्राइस है वो 30 रुपये है। देखो आप, बारह साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चों के लिए टिकट लेना कंपलसरी है यहाँ पे। फ्रेंड्स, टिकट कुछ ऐसी है यहाँ पे, देखो। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी मैंने एंट्री ले ली है, और यहाँ का कुछ नज़ारा ऐसा है। देखो, ये देखो, रिवर फ्रंट वॉक इधर जाना है, फुलवाड़ी उधर है, त्रिकोण वाटिका और लेक भी उधर ही है, तो अभी हम यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ एंटर होके ही सबसे पहले हमें मिलता है फुवारा। देखो, तो आज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी आए हैं इसको देखने के लिए, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे पौधों के नाम तो मुझे पता ही नहीं, लेकिन दिखने में बहुत ही खूबसूरत, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, तो फ्रेंड्स इधर है हमारा फ्लावर गार्डन, और इधर है, देखो आप, ये है साबरमती रिवर, और ये जो सामने दिख रहा है वो वाटर ब्रिज है। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो यहाँ से मेन गार्डन की शुरुआत होती है, 10 फ्लावर शो, देखो। और उसके एग्जैक्ट ही सामने है त्रिकोण वाटिका, जो कि ऐसी दिखती है। अभी तो यहाँ पे और भी सजावट हो रही है फूलों की, देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी भी सजाया जा रहा है फूल। तो
फ्रेंड्स त्रिकोण वाटिका के एग्जिट बाजू में लेक है, देखो विश्व एक बार बैठ जाना तितली पे, तितली पे बैठ जाना वहाँ पे। यहाँ को बैठा हूँ। नहीं नहीं तू बैठ जा विश्व, विश्व इस पे झूला झूलेगा तू। क्या बोला तूने? सॉरी। ये देखो फ्रेंड्स विश्व 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 के वेट इतना है कि ये देखो ये झूला की तरह झूलने लगा है तितली। तितली देखो ये देखो विश्व छोटा बच्चा बन रहा है। फ्रेंड्स विश्व की सबसे फेवरेट चीज यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो फ्रेंड्स ये विश्व की सबसे बढ़िया और फेमस चीज और विश्व को ये बहुत पसंद है। विश्व विश्व देखो फ्रेंड्स देख भी नहीं रहा है अब। तो फ्रेंड्स अभी मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर मिला था, उसने मुझे अपना कार्ड दिया और मैंने उसके साथ एक वीडियो भी शूट किया है जो कि मेरे पेज पे आ जाएगा और उनके पेज पे भी शायद आ जाएगा। तो आप उनको भी फॉलो कर देना और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे भी फॉलो कर देना, आपको वो मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी मैं यहाँ पे फूड कॉर्नर पे आया हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। देखो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा आयोजित 10वां फ्लावर शो 2023 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स ये सारी ना सब्जी है, कोई पौधे नहीं है, सब्जी के पौधे हैं सारे, सब्जी के इंडियन सब्जी। और ये देखो ये सारे फूल हैं। मुझे इनका जो डेकोरेशन का तरीका ना वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखो बीच में एक ट्री जैसा लगा है, उसमें सारे पौधे हैं देखो। ये देखो अमेरिका और यूरोप ने मिलके रशिया और यूक्रेन को यहाँ से निकाल ही दिया है, कहीं पे नहीं दिख रहे हैं देखो। तो फ्रेंड्स देखो अमेरिका और नाटो यूरोप ने मिलके यूक्रेन और रशिया को तो निकाल दिया, लेकिन इंडिया को G20 में डाल दिया। देखो वसुधैव कुटुंबकम, इट मीन्स होल वर्ल्ड इज़ माय फैमिली।
तो ये है हम सबके प्यारे बजरंगबली जो कि संजीवनी लेकर जा रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर दिया, तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 3 बज चुके हैं, तो अभी हम निकलने वाले हैं घर की तरफ। तो मैं इस वीडियो को अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालता रहूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके लिए बेल आइकन को हिट करना ज़रूरी है, तो उसको भी हिट कर देना।